तो हे हेलो व्हाट्स अप गाइस, कॉन्ट्रोन हियर। आज हम लोग अरागामी का पार्ट 3 आई मीन लाइक चैप्टर 3 खेलने वाले हैं, और चैप्टर 3 का नाम है टिम्स ऑफ द पास्ट। तो गाइस, लास्ट एपिसोड में अरागामी को एक रेवन मिला था जिसका नाम था कुरोसो। तो गाइस, ये रेवन हमें शायद से बंदे बताएगा, पता नहीं क्या करेगा, उसकी एबिलिटी अभी तक मेरे को पता नहीं है। एंड यार, और एक चीज मुझे मालूम पड़ा कि मतलब ये रेवन ने बताया कि यहाँ पे एक टेल्समैन है, एंड मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया कि टेल्समैन वो बंदे हैं जो उस लड़की को पकड़ के रखे हैं। अगर हम लोग वो 8 टेल्समैन को मारेंगे तब जाके हम लोग उस लड़की को रिलीव कर सकते हैं, मेरा मतलब लाइक उसको फ्रीडम दे सकते हैं। शाबाश बेटा। तो फिलहाल के लिए हम लोग अपना पहला टेल्समैन को इस एरिया पे कहीं ना कहीं तो मारने वाले हैं। और एक बात है गाइस, इस मैप में बहुत ज्यादा ही कलेक्टेबल्स हैं, हम लोग को कोना कोना चेक करना पड़ेगा, बिकॉज कलेक्टेबल्स मिलेगा तो ही जाके हम लोग अपने एबिलिटीज को बढ़ा सकते हैं। चलो एक एक करके मारते हैं। तो मैंने गाइस ऑलरेडी मेरा पहले एबिलिटी बढ़ा लिया है, अभी मैं बॉडीज को छुपा सकता हूँ, मतलब शैडोज आएंगे बॉडी को ऑब्जर्व करके चले जाएंगे लाइक दिस। ओपी है ना यार। धीरे धीरे ना मैप जैसे बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा ही लाइट सोर्स हैं एंड बहुत कम शैडो सोर्स है भाई। यहाँ पे एक बंदा है, क्या इसको मैं मार सकता हूँ? टपली दे सकता हूँ उसको पीछे से जाके, थोड़ा लाइट में रहूंगा बट ठीक है, अगर टपली दे सकता तो ठीक है। उसने नहीं देखा, ठीक है नाइस। ओके, इसको शैडो वर्ल्ड में भेज दिया हम लोग ने। तो गाइस, 3 लोग को हम लोग ने मार दिया, पता नहीं इस लोकेशन में कितने लोग और बाकी हैं। कोशिश करता हूँ सबको जल्दी मारने का, सो दैट हम लोग स्टोरी में आगे और प्रोग्रेस कर सकते हैं। क्या इसको मैं यहाँ रख के मार सकता हूँ? अगर हुआ तो मार दूंगा भाई। स्टेल्थ किल कर दिया और बॉडी को शैडो के वर्ल्ड में भेज दिया। Nice. अगला यार, जो लाइट है ना उसको बंद करने का कोई तो अपने पास एबिलिटी होना चाहिए, बहुत ज्यादा ही लाइट है इस एरिया पे। तो गाइस, जब ये एरिया पूरा क्लियर हो जाएगा तो मैं एरिया को एक बार राउंड मारूंगा, बिकॉज यार मुझे पता है कि ये एरिया या आगे आने वाले एरिया में भी कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो कलेक्टेबल छुपा रहेगा, सबको हम लोग को निकालना होगा। तो गाइस, 2 ही बंदे बचे हैं, ये बंदा तो मर गया, मतलब और एक बंदा ही बचा है, इसको भी हम लोग शैडो वर्ल्ड में भेज देंगे। तो ये लास्ट बंदा तो है ना, उसको पता नहीं अकेला है। चलो उस बंदे के पास जाते हैं एंड उसको भी भेजते हैं उसके फ्रेंड्स के पास। क्या भाई अकेला भटक रहा, बोर नहीं हो रहा तू? बाय बाय। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। ओके, तो गाइस मैंने पूरा एरिया सर्च कर लिया, आई थिंक सो कि इस ग्रेवयार्ड में कोई कार्ड नहीं है, हम लोग को इसके आगे जाना होगा। अभी यहाँ पर जाना है ना? ओके, मैं टीपी कर सकता हूँ भाई, ग्रेवयार्ड बहुत बड़ा है। अरे रे 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 यार, 2 बंदे है भाई इधर, तो अपने अपने काम पे लग जाओ बे, क्या बातें कर रहे हो यार। हाँ, मेरी बात सुन लिया लोग ने। सेल्फ स्कैन कंप्लीटेड। ओके, इसको शैडो में भेज दिया। अभी उसका फ्रेंड जो है, जो ये लोग दोनों मिलके बात कर रहे थे, इन दोनों को साथ में भेजना होगा। स्टेल्थ किल भाई, मुंह के सामने से स्टेल्थ किल। ये कैसा स्टेल्थ किल है भाई? अरे पीछे मुड़ जाएगा वो भाई, ये ऊपर आ रहा है। आने दो आने दो, बकरे को आने दो यार, असैसिनेशन कर लेंगे। ओ भाई ओपी था यार ये असैसिनेशन वाला सीन, इसको भी बाय बाय बोल देते हैं। एरिया बहुत बड़ा है, मुझे लगा मैप छोटा रहेगा बट बड़ा है, काफी बड़ा है। हम ऊपर जा रहे हैं और एक नुबड़े के पास। रुको भाई, यहाँ पे कुछ नहीं ना। ओके ओके, इधर ही है वो, मेरे को इधर टीपी करना होगा। टीपी कर सकता हूँ? शैडो शैडो नहीं। ओके ओके, मैं समझ गया। तो गाइस, ये लोकेशन जहाँ पर मैं अभी हूँ ये एक्चुअली एग्जिट है। गाइस एक अच्छी बात है, मुझे एग्जिट मालूम पड़ गया, बस अभी मुझे टेल्समैन को ढूंढना होगा। अगर मैं टेल्समैन को मार दिया तो मुझे एग्जिट करने के लिए भी उधर तक जाना होगा। अरे डिसऑनर्ड। ओह भाई, मैंने दोनों को मार दिया कैसे? आई डोंट नो भाई, मेरे पास मत आओ भाई। इसको भी मार दिया, टपका दिया भाई, सब नूबड़े क्या इधर? ओके, अभी मुझे पता नहीं कि यहाँ पे और कितना बंदे बचे हैं। अरे भाई, बस अभी बोला बंदे के बारे में और बंदा इधर दिख गया। वाह कितना मस्त दिख रहा है यार ये एरिया। स्टेल्थ केयर। यहाँ पे और एक बंदा है, देखो सामने है। यहाँ पे एक बंदे को मारने के लिए मुझे थोड़ा सा लाइक दिमाग लगाना पड़ेगा, लाइक दिस एंड लाइक दिस। बहुत लोगों को मारा है अपन, बहुत लोगों को मारा। आई थिंक ये बड़ा वाला बिल्डिंग के ऊपर जाना होगा, आई एम नॉट श्योर कि कहाँ जाना है बट ये एरिया पूरा। अरे बेंडी, पीछे मत पलटना, मैं हूँ तेरे पीछे। ओके ओके, वहाँ पे देखो यार और एक बंदा है, उसके सामने इसका बॉडी को साफ कर रहा हो। ये देखो भाई, 2 ही बंदे, आई थिंक 2 या 3 ही बंदे जिंदा अभी। कलेक्टेबल्स नाम का कोई चीज है इधर? मैं नीचे से भी जा सकता हूँ, वंडरफुल भाई, ये मेरे को अच्छा लगा। ये क्या है? तो गाइस नीचे मुझे एक कलेक्टेबल मिला है, ये देखो ये कार्ड मिला है, अभी मैं इसको यूज करके किसी, ये देखो रेवन को अपग्रेड कर सकता हूँ। ऑलरेडी अनलॉक्ड है, अनलॉक्ड है।
अच्छा, मेरे को बाकी सब चीज़ों को अनलॉक करने के लिए टाइम लगेगा शायद से। ठीक है भाई, ठीक है, थैंक यू। ओके, मुझे अभी पता है कि मुझे कहाँ जाना है। एक कलेक्टेबल के लिए पूरा एरिया बना के रखे लोगों ने। मुझे टेल्समैन को ढूंढना होगा ना। वेयर कैन बी दिस टेल्समैन? आई थिंक वहाँ जाना है। यहाँ पे एक दरवाजा है ना, इसके अंदर ही जाना है। चलो, तो गाइस नेक्स्ट एरिया में आ गया हूँ। एंड ये एरिया भी काफ़ी बड़ा है एंड बहुत ज़्यादा ही ओपन है भाई एरिया। एरिया भी बड़ा होते जा रहा है, छुपने के लिए भी जगह बहुत कम होते जा रहा है। गेम टफ हो रहा है, हम भी टफ हो जाएंगे भाई। अच्छा, एक्चुअली यार बहुत बंदों के इस गेम में मार रहा हूँ, तो जितना होगा उतना मैं कम करता हूँ सीन्स को, बिकॉज यार आप लोग भी पक जाओगे एक जैसे ही मारते मारते मारते। कितना सीन्स देखोगे आप भी? यहाँ क्या बात है, ओके ये कौन सा एरिया भाई? ओके देखते हैं। आई थिंक गाइज ये यागामी का स्टोरी है। हाँ, इस लड़की का स्टोरी है। तो गाइज हमें एक बेल जैसा कुछ चीज मिला है और ये बेल यागामी की है। एंड यागामी को वो जो बेल मिला है ना, वो उनका मॉम एंड डैड ने गिफ्ट किया था। एंड आफ्टर दैट ये लोगों ने उनका मॉम डैड को मार दिया है, तो उनके लिए कुछ नहीं बचा। भाई कोई तो इस रूम के अंदर एंट्री मार रहा है भाई, अभी क्या करें इस तकले को? यूज द बेल्स टू ड्रॉ गार्ड्स अटेंशन। अच्छा, मैं वी यूज करके ये घंटी बजा सकता हूँ। इधर आ जाए वो टकलो। वैसे तो ये रूम बहुत अंधेरा है, तो मैं इसको इजीली मार सकता हूँ। क्या भाई डर गया? छोटे मोटे आवाज तुमके पीछे नहीं आना भाई। तो गाइस आई होप सो कि तुम लोग का आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग का आज का वीडियो पसंद आया तो गाइस कम से कम इस वीडियो पे मेरे को 12 लाइक्स चाहिए। अगर 12 लाइक आ जाएगा तो मैं इसका अगला वीडियो डालूंगा। अगर चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर देना गाइस। मिलते हैं अगला वीडियो पे। टिल देन योर फ्रेंडली यूट्यूबर हॉर्नेट्रॉन साइनिंग ऑफ।